नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस्तेहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी सर्वाधिक जो क्वेरी है वो बिज़नेस को लेकर के और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के है कि क्या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके फेट लाइन के विषय में। तो यहाँ देख पाएंगे आपकी फेट लाइन कुल मिलाकर के सीधे यहाँ पर सैटर्न के साथ जो है, यानी सैटर्न लाइन के साथ मर्ज होते हुए सीधे शनि तक पहुँच रहा है। उस कारण से सर्विसेज में रहने के योग ज़्यादा बनते हैं। सर्विसेज यानी सेवा भावी किस्म का जो प्रोफेशन होता है उसमें जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। एज अ सर्वेंट वर्क करने के योग ज़्यादा होते हैं। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, यहाँ पर आप सूर्य पर देख पाएंगे तो यहाँ देखेंगे आपकी सूर्य की रेखा भी कंपेरेटिवली आगे अच्छा बढ़ रहा है, जिसमें से बायफोर्क भी अच्छी खासी मात्रा में निकल रहा है। जब इस प्रकार से लाइन्स एट द एंड सूर्य में से निकलती है तो ये अच्छे खासे समृद्धि और सफलता के योगों को व्यक्त करता है और ये कारक होता है यहाँ पर पॉलिटिक्स का। और उसके साथ साथ गुरु माउंट पर भी एक प्रकार से स्क्वायर का साइन अवेलेबल है जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आपका लाइन देखें तो अभी जैसे 70 अप्रोक्स एज होने को आया है तो यहाँ पर एक ऑफ शूट निकला हुआ है, लेकिन ये रुका कहाँ पर है, सन माउंट के नीचे। अगर ये लाइन सीधे आगे बढ़ते हुए आपका बुध पर्वत तक जाता तो यहाँ पर कह सकते थे कि यस, बिज़नेस में आपके चांसेस ब्राइट है ग्रोथ करने के, प्रोग्रेस करने के। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से फेट लाइन या अपॉर्चुनिटी लाइन रुकती है, इट मीन्स सन का प्रभाव ज़्यादा है और सन कहीं ना कहीं व्यक्ति को शासन की तरफ ही लेकर के जाता है, यानी पॉलिटिकल लाभ मिलने के आसार फिर अच्छे होते हैं। एक और यहाँ पर आपकी मर्करी लाइन डेवलप्ड हुई है, लेकिन ये बाहरी मंगल की तरफ झुक गई है, जो कि क्लेवर मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, कूल काम पर्सनैलिटी को बताता है। तो बिज़नेस के चांसेस तो कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 70% अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स के थ्रू देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, और थंब का साइज़ देखें तो ये यहाँ पर सशक्त है। तो उस कारण से जो भी आपका व्यक्तित्व रहेगा वो लोगों के सामने निखर के आने वाला रहेगा। एनालिटिकल पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली रहेगी, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, हर बात के जड़ तक जाना, एनालिसिस प्रॉपरली करना, लाइफ में स्टेप ले लेकर के बहुत अच्छे से कार्य करना, ऐसी युति भी देखने को मिलती है। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक गई है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा। अपनी बात को सरलता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे, कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ तकरीबन सेम है, लेकिन थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे और साथ ही साथ समाज में अच्छा इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलने के योग भी बनते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, तो उस कारण से हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन मधुर रहने वाले हैं। फैलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छे हैं और अंदरूनी मंगल भी ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, ऊर्जा, पराक्रम ये अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज की लेंथ आपके थंब पर अच्छा है, जिसके कारण विल पावर भी आपका स्ट्रांग रहने वाला है, यानी इच्छा शक्ति। जब फर्स्ट पोर पर आड़ी रेखा इस प्रकार से होती है, ये धनवान होने का सूचक होता है, जिसका कारण धन संपत्ति जागृत होने के योग अच्छे बनते हैं। और वहीं यव का चिन्ह भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, पावर, आभास लगना, ये सारे योग भी अच्छे देखने को मिलते हैं, यानी फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी या एजम्पशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। थंब यहाँ पर सशक्त है तो किसी के सामने झुकना भी पसंद नहीं रहेगा और हठी किस्म का नेचर भी रहेगा, यानी जिद्दीपन ज़्यादा रहने वाला है। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ लंबाई में यहाँ ज़्यादा है, जिसके कारण बैठे बैठे अधिक कार्य करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। और यहाँ देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान रहेंगे और कभी भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि बाहरी मंगल हौसला, जुलून, यहाँ पर पराक्रम, बहुत अच्छे मेहनत के योगों को व्यक्त करता है। तो किसी भी प्रकार की मेहनत से भी पीछे नहीं हटेंगे और ख़ासकर फिजिकली लेवल पर अगर बात की जाए तो फिजिकली आपका मन नहीं लगेगा। वहीं बैठे बैठे अधिक कार्य करने की क्षमता भी रहेगी और जैसे बाहरी मंगल अच्छा डेवलप है तो आप दूसरों को ऑर्डर बहुत अच्छे से दे सकते हैं या दूसरों से काम बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। थिंकिंग जोन डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देख पाएंगे कि गुरु का क्षेत्र यहाँ विकसित ठीक है और यहाँ जो
आपकी प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से गई है, ये महत्वाकांक्षीपन को सर्वप्रथम इंडिकेट करता है। तो उस कारण से जो भी आपकी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं रहेगी उसको पूर्ण करने में आप सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर जो आपका ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके कारण इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐसे किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहता है। सोशल वर्क करने के द्वारा लाभ भी अच्छा मिलता है, और ख़ासकर गुरु और सूर्य यहाँ पर पॉलिटिक्स को ही इंडिकेट करता है, तो उच्च पद प्राप्ति के योगों को भी ये व्यक्त करता है। तो इसीलिए गुरु से कहीं तक कोई कमी नहीं है, तो ज्ञान में भी आपके किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने वाला है। और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन के योगों को व्यक्त करता है। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका थोड़ा वीक है, जिसके कारण से कार्यों में विलंब देरी देखने को मिलता है, बनते बनते कहीं ना कहीं कार्य रुकता है। लेकिन भाग्य रेखा की बात की जाए तो भाग्य रेखा यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन में चल रहा है, और खासकर मून के एरिया से निकला है। चंद्र की भाग्य रेखा बाहरी दुनिया बाहरी लोगों के अच्छे सहयोग को इंडिकेट करता है, जिसके कारण दूसरे लोगों के प्रोत्साहन के कारण जीवन में उन्नति का योग अच्छा बनता है। अब ये भाग्य रेखा आपके यहाँ पर माइंड लाइन के थोड़ा ऊपर आकर के रुकी है, उम्र तकरीबन 37 के आसपास देखने को मिल रहा है, और उसी के लमसम में एक और भाग्य रेखा निकलते हुए सीधे आपके सैटर्न तक भी पहुंचा है। और सैटर्न पर जब फेट लाइन पहुंचती है, इस कारण से व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट में देखने को मिलता है, और एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन के योग भी यहाँ पर हैं, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ साथ मल्टीपल यहाँ पर एक्टिविटीज़ को भी इंडिकेट करता है, यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के आदि भी आप रहने वाले रहेंगे। बीच की ये रेखा यानी सूर्य और शनि पर्वत के बीच में जब ये रेखा होती है, तो ये बहुत अच्छे नॉलेज और एडवाइज़र गाइडर को इंडिकेट करता है। तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली किसी को सुझाव या राय आप अच्छा दे पाने में सक्षम रहेंगे। सूर्य का क्षेत्र भी अब जो है दब रहा है, तो आत्मविश्वास में इस कारण से थोड़ी कमी आते हुए देखने को मिलता है। बाकी सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होते हुए सीधे सूर्य तक पहुंची है, तो अपने खुद के प्रयासों और खुद के निर्णयों के कारण जीवन में सर्वाधिक लाभ उठा पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर भी देखें आप, तो अंततः जो बायफोर्क यहाँ हुआ है, ये अच्छा नाम और ख्याति को इंडिकेट करता है, जो जन्म स्थान एवं जन्म स्थान से दूर मिलने के योगों को बहुत अच्छा बताता है। तो इसलिए सूर्य माउंट पर कोई भी आपके कमी ऐसी नहीं है, और सूर्य माउंट विकसित भी कुल मिलाकर के अंततः अच्छा हो रहा है, तो जीवन में हर प्रकार के प्रतिस्पर्धा में विजय होने के योग यहाँ पर फिर बनते हैं। तो सूर्य बेसिकली यहाँ पर आपकी पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, बस ये माउंट वीक है, तो इस कारण से इसके परिणाम मिलने में देरी मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो साइंस यहाँ क्रिएट हो रहे हैं ऊपर में, ये आपको कुछ शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। मरकरी माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है, एक से अत्यधिक रेखा बहुत मीठी बोली को आकर्षित व्यक्तित्व को व्यक्त करता है, तो अपने बोली से अच्छा दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, वह दूसरों से काम निकलवा लेने में भी आप यहाँ सक्षम रहने वाले रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रही है, लेकिन ये मरकरी लाइन ज़्यादा मजबूत नहीं होने के कारण व्यापार में ज़्यादा मन आपका इस कारण से यह कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। और हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति भी है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को हंसमुख हास्य कवि पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखें तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ डबल लाइन के साथ चल रही है, और आगे चल करके ये सीधे जा रही है, जिसमें से एक शाखा निकल के गुरु से भी कनेक्टेड है। वैसे देखा जाए तो ये वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप यहाँ प्रैक्टिकल स्वभाव के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक शाखा जो गुरु से कनेक्टेड हो गई है, ये एक प्रकार के भावुकता को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड हो जाना या इमोशंस के अकॉर्डिंगली ज़्यादा डिसीजंस लेना, उसको ये इंडिकेट करता है। गुरु पर जब भी भाग्य रेखा के साथ साथ हृदय रेखा जब पहुँचती है, तो ये राजनीति से तो लाभ देती ही है, लेकिन सोशल वर्क में भी एक प्रकार से अच्छा इंगेज करवा करके रखती है। दूसरा, ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है, तो अपने कार्यों से एवं बातों से दूसरों का दिल आप अच्छे से जीत भी सकते हैं, क्योंकि इसमें बुध की भी भूमिका अच्छी आ जाती है, जो कि एक बहुत अच्छे वक्ता को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आइलैंड का ये फॉर्मेशन बन रहा है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ और परेशानी को बताता है, जो 56 के उम्र के आसपास में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ से कुछ और शाखाएं नीचे की ओर भी आई हैं, लेकिन पूर्णतः मंगल के क्षेत्र तक नहीं गया है, जिसके कारण इसे मंगल की रेखा में कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन तब भी शुरुआती जीवन में एग्रेसिव नेचर के आप ज़्यादा देखने को समझ में आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर देखें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो इस प्रकार से चलते हुए चंद्र तक पहुँच रहा है, यानी डिक्लाइन हुआ है, तो सोचने समझने की जो गतिविधि है जीवन में, ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना फिर आप यहाँ पसंद करेंगे, और ओवर थिंकिंग भी आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी काल्पनिकता भी आपके अंदर
ज़्यादा रहने वाली है। अब जैसे माइंड लाइन लॉन्ग है, एनालिसिस को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर काल्पनिकता के ही कारण से बहुत सारे ख्याल आपके मन में ऐसे आएंगे जो इनोवेटिव आइडियाज़ में कन्वर्ट होंगे। तो ये इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा व्यापार के माध्यम से अच्छा लाभ कमाने के योगों को व्यक्त करता है। लेकिन एज अ यहाँ पर बात किया जाए पॉलिटिकल लीडर के बारे में, तो यहाँ पर जो बायफोर को हुआ है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब माइंड लाइन पे बायफोर्क होता है तो सोचने समझने की जो गतिविधि है ये और ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण निर्णय बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। किसी भी चीज़ का सुझाव या राय बहुत अच्छा दे पाने में आप सक्षम रहेंगे, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके द्वारा बहुत अच्छा आप जीवन में आगे चल करके परफॉर्मेंस देने वाले रहेंगे या डिसीजंस लेने वाले रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर प्रकार की कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटी देखने को मिलती है हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग डील करने का। तो जैसी भी परिस्थिति रहेगी उसके अनुसार आप ढल पाने में भी सक्षम रहेंगे और निर्णय भी हर परिस्थिति में अच्छे से ले पाने में सक्षम रहेंगे। तो मस्तिष्क रेखा में कहीं से कहीं तो कोई तकलीफ परेशानी ऐसी नहीं है। और जहाँ तक बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर बहुत स्मूथ है और ये सीधे आपके शुक्र और चंद्र पर्वत के बीच में यानी केतु तक आया है, इसलिए जीवन में हमेशा भागदौड़ी आपकी बनी ही रहेगा। कभी ज़्यादा आराम आपको करने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जब मिडिल में मस्तिष्क रेखा के साथ साथ यहाँ जीवन रेखा जब पहुँचती है तो इस कारण से व्यक्ति सेल्फ फोकस करियर फोकस ज़्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पर निरंतर आपके जीवन से ऑफशूट्स यानी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज लाइन निकलते जा रही है, इसलिए कभी भी आपकी खुद की मेहनत विफल साबित नहीं हुई है। अपॉर्चुनिटीज़ में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही है, और अभी के टाइम पे जो रेखा निकली है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने के चांसेस भी ब्राइट है। जहाँ तक बात करें सहयोगी रेखा की, तो सहयोगी रेखा भी यहाँ पर चल रही है, लेकिन ये सहयोगी रेखा अंततः यहाँ 60 की उम्र तक बहुत अच्छा चला है, और जैसे अभी की बात करें 70s की तो अभी भी चल रहा है, तो अभी सपोर्ट आपको दूसरे किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा मिलने वाला भी रहेगा। शुक्र पर भी सीधी खड़ी रेखा है जो घर वाले के अच्छे सहयोग को यहाँ इंडिकेट करता है। बाकी बात किया जाए अंदरूनी एवं बाहरी मंगल की, तो दोनों क्षेत्र यहाँ पर विकसित ठीक है। बाहरी मंगल जैसे विकसित ज़्यादा है तो सोचने समझने की क्षमता या एक प्रकार से सहनशीलता पराक्रम ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो मानसिक रूप से आप बलवान रहेंगे, जिसके कारण जीवन में कभी भी आप हार नहीं मानेंगे, हमेशा प्रयासरत अपने जीवन में रहने वाले रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें आप तो एक बाहरी मंगल से रेखा निकल के सूर्य की तरफ जा रही है, जो पिछले पुण्य जन्मों के कर्मों को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ ये जीवन में स्ट्रगल भी ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन सफलता भी उसी के अनुसार बहुत अच्छा देता है। शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, घूमना फिरना, शौकीन किस्म का नेचर भी रहेगा, जिसके कारण खर्चे भी आपके ज़्यादा रहने वाले हैं। खर्चों पर नियंत्रण इस कारण से आपका कम रहेगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कुछ आड़ी रेखा भी देखने को मिल रही है, जो पारिवारिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण अनावश्यक चिंताओं को ये व्यक्त करता है। अदरवाइज़ यहाँ पर केतु के क्षेत्र पर बात किया जाए तो केतु का क्षेत्र विकसित ठीक है और विभाजित हुई जीवन रेखा यात्राओं का सुख अच्छा देती है। इसके अलावा यहाँ चंद्र का क्षेत्र भी ज़्यादा विकसित है, तो ख्याली पुलाव ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके कारण सोचने समझने की क्षमता में जैसे एक प्रकार से उन्नति ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण बेफिजूल की बातों में भी कहीं ना कहीं पड़ जाना या बेफिजूल की बातें भी मन में चलते रहना, सोचते विचारते रहना, ये भी नेचर में आता है। तो आमतौर पर ओवरथिंकिंग भी देखने को मिलती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक विचार या नकारात्मकता स्वभाव में या चिंतात्मक स्वभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अदरवाइज जो आपका चंद्र है वो आपको एक्सप्रेसिव ज़्यादा इंडिकेट करेगा, यानी कोई भी बात आप बहुत डिटेल में और बहुत एक्सप्रेशन के साथ इंडिकेट या बताने वाले यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा मनी ट्रायंगल का जो फ्लो है कंप्लीट यहाँ हो रहा है, जिसके कारण जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। और माइंड लाइन के ऊपर भी आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, जिसके कारण व्यापार से लाभ के आसार अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन सूर्य रेखा भी इसी में से निकली है, इसीलिए पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलने के चांसेस अगेन यहाँ पर आपके ज़्यादा हो रहा है। तो एज अ ओवरऑल यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आप व्यापार भी कर सकते हैं, साथ ही साथ पॉलिटिक्स को भी कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आपकी ग्रोथ या सक्सेस या अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जहां तक रही कि कब वो अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, तो अभी यहां पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 72-73 के एज में ये लाइन निकली है, और उसके बाद से आगे की ओर ये जो है डिवाइड हो गई है, जिसके कारण यात्राओं का जो लाभ है वो 70
374 के बाद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब यात्राएं देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये भी पॉलिटिक्स के अंदर में ही कवर किया जाता है। और यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा कंटिन्यूस चलते हुए आगे की ओर एकदम गई है और सूर्य और शनि पर्वत के बीच तक तकरीबन जा रही है, जिसके कारण ये अच्छे नॉलेज और एडवाइज़र को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में दूसरों को बहुत अच्छा गाइड करेंगे या उस पद पर रहेंगे जिसमें लोग, बड़े से बड़े लोग आपके पास राय मांगने या बातचीत करने आपके पास आएंगे। तो इस कारण से पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने के चांसेस भी यहाँ पर ज़्यादा हैं। इसके अलावा बात किया जाए यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो बहुत निम्नलिखित यहाँ रेखाएँ हैं, लेकिन जितनी रेखाएँ हैं सब का सब झुकाव जो है सूर्य की तरफ ज़्यादा जा रहा है और शनि की तरफ भी रेखाएं जा रही हैं। तो इस कारण से लाइफ में सेटिस्फाइड भी रहेंगे और अंत तक अपने जीवन में आप कार्यरत रहने वाले रहेंगे, क्योंकि जब शनि तक भाग्य रेखा इससे पहुंचती है तो जीवन में मालिक बनने के योग कम और एज अ सर्वेंट वर्क करने के योग ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा मर्करी लाइन भी डेवलप्ड हो रहा है तो साइड बिजनेस भी यहाँ पर आपका शो हो रहा है। अदरवाइज़ उम्र जो है यहाँ पर आपकी अच्छी 80 के आसपास में, उससे ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर सहयोगी रेखा भी निरंतर चल रही है तो हमेशा किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग आपको मिलता रहेगा, चाहे अच्छी कंडीशन हो या बुरी हो, यानी आप अपना कार्य जो है दूसरों के बलबूते पर अच्छे से करवा लेने में सक्षम रहेंगे। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।